नमः शिवाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? मैं समझती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे और घर में सभी प्रसन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आपके स्वास्थ्य की कामना के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसा कि अभी कोरोना वापस लौट आया है और काफ़ी परेशान है लोग उसके स्ट्रेन से। कभी ये स्ट्रेन वाला कोरोना है जो सभी को नुकसानदायक हो रहा है, कई जगह तो लॉकडाउन भी लग चुका है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप अगर इससे निजात पाना चाहते हैं तो आप एक दीपक संध्या काल में जो है जला दीजिए जा करके, शिव के नाम का, यानी महाशिवरात्रि है, उसके बाद भी आप जला सकते हैं दूसरे दिन भी, और उसके बाद आप जलाएंगे तो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और महाशिवरात्रि के दिन भी अगर शाम के समय आप दीपक जलाते हैं, आप अपने मेन गेट पर एक दिया जला दीजिए घी का, शुद्ध देसी घी का, और आप बुलाइए, बोल दीजिए कि ये सारी बलाओं को हमारे से दूर रखे, और आप अपने समस्त पितरों का नाम ले लीजिए, समस्त पितरों भ्यो नमः करके आप ये वाला दीपक जलाएंगे तो आपके लिए जो है बहुत ही शुभकारी रहेगा। और एक दीपक आप शिव के नाम का शिवालय में जाकर जला दीजिए, शिव के पास जाकर के देसी घी का, और शुद्ध गाय के घी का हो तो बहुत अच्छा रहेगा दोस्तों। तो एक दीपक आपके लिए जो है बहुत अच्छी चीज़ लेकर आएगा, आपसे दूर रहेंगी सारी महामारियाँ। और एक दीपक आप शाम के समय जला दीजिए अपने पीपल के वृक्ष में, और पीपल वृक्ष अगर आपके घर के पास नहीं है तो आप नीम वृक्ष में भी जला सकते हैं। आप एक दीपक जलाएंगे इस तरह से, आप पितरों का नाम लेकर के और शिव का नाम लेकर के, और सभी बीमारियां आपसे दूर रहे ऐसा आप उनसे कह करके अगर जलाएंगे तो आपके लिए बहुत शुभकारी रहने वाला है। तो आप ऐसा बोल करके ये दिया जलाइए कि हमसे सारी बीमारियां, सारी परेशानियां दूर रहें, और हमारे पास में जो है सदैव हमारा स्वास्थ्य लाभ हो। ऐसा बोलते हुए आप ओम नमः शिवाय का 108 बार जप करते हैं वहीं रख करके, और उस दीपक के सामने बैठ करके जब तक वो दीपक जलता रहना चाहिए, जब तक कि आप 108 बार अपना मंत्र जाप पूरा ना कर लें। उसमें आप इतना घी डालिएगा, और उसके बाद आप वहाँ पर एक जो है अपने दरवाजे के पास एक धूप बत्ती भी जला दीजिए, वो भी जब तक जलती रहनी चाहिए, जब तक कि आप अपने घर में अगर जप कर रहे हैं, चाहे आप शिवालय में जप कर रहे हैं, चाहे आप किसी शिवलिंग बनाकर जप कर रहे हैं, तो ऐसा करेंगे तो आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। ये कोरोना नाम की बीमारी आपके पास पटकने में नहीं पाएगी। तो इस तरह से आप और भी कोई बीमारी आपको नहीं आएगी। और बहुत समय से अगर कोई दोस्तों आपको बीमारी परेशान कर रही है, तो जो शिव की रात्रि है उसमें आप अखंड जाप करते रहिए ओम नमः शिवाय का, और जितने देर तक कर सकते हैं 10,000-11,000 जप अगर आप कर सकते हैं ओम नमः शिवाय जैसे पंचाक्षरी मंत्र का, तो आपके लिए बहुत शुभकारी होने वाला है। कोई बीमारी आपके पास नहीं आने वाली है। सिर्फ एक दीपक, मात्र एक दीपक आपको घी का जो है आपको इन सारे रोगों से मुक्ति दिला देगा। तो दोस्तों प्लीज़ एक बार ऐसा करके देखिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। तो इस तरह से मैं केवल एक दीपक का महत्व आपको समझाना चाहती थी कि कितना है उस दिन के लिए। आप जो है वैसे भी अगर दीपक जलाते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक दीपदान आपके लिए सारे रोगों को मुक्ति दिलाने वाला है। केवल आप शिव के नाम में दीपक जलाइए, अपने पितरों के नाम में दीपक जलाइए, और उस दीपक के बाद आप ये बोलिए वहाँ बैठ करके ओम नमः शिवाय का जप कर लीजिए, और शांत मन से वहाँ बैठे रहिए, और कहीं के सारे योग शोक रोग दूर आपसे हो जाए। इस तरह से अगर आप ये मंत्र करते हैं तो आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होने वाला है दोस्तों। बस इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगी दोस्तों, और आपसे कहूँगी कि आपको बहुत मंगलमय हो, बहुत शुभकारी हो। महाशिवरात्रि का पर्व इसी तरह आप हर साल मनाएं, खुश रहें परिवार के सही, और इसी तरह आपके लिए नई नई वीडियोस लेकर आती रहूँगी। आप नए हैं तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए इसे मेरे चैनल को, और आप बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको मेरे सारे वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू सो मच दोस्तों।